हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी आयुष्मान मिशन भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है। आयुष्मान मिशन के अंतर्गत ANM, वार्ड बॉय, क्लर्क, CHO 18 विभिन्न पदों पे ये भर्ती प्रक्रिया निकल के आई है। ये आयुष्मान मिशन के अंतर्गत ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं, 10वीं, 12वीं और डिप्लोमा है। यदि आप 8वीं पास है तो यहाँ वार्ड बॉय के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्वीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सफाई कर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10वीं पास है तो इसमें आप चौकीदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि काफ़ी सारी वैकेंसीज, 18 प्रकार की आपको और पोस्ट इस रिक्रूटमेंट में मिल रही है। बात की जाए वेतन की तो वेतन 15,000 से लेके 50,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ मिलेगा। अलग अलग वेतन जो है प्रत्येक पोस्ट का रखा गया है। इसमें बिना परीक्षा आपका सिलेक्शन होगा, किसी प्रकार की एग्जाम नहीं है, केवल आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म के बाद आपका बेसिक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको इसमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो इसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे वो डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। टोटल 19 प्रकार की वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो 19 प्रकार में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कलर की वैकेंसीज आपको मिल रही है। 15,000 वेतन आपको इसमें मिलेगा। ये आयुष्मान योजना के अंतर्गत वैकेंसीज है, इसमें आपको वेतन कम ही मिलेगा। इसमें फिर आपको बताई है 18 नंबर पर वैकेंसी मिडवाइफ की, यानी कि ANM की वैकेंसीज है। तो ANM के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो डिटेल बाद भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे पोस्ट और वेतन। इसमें 16,500 रुपये पर मंथ आपको वेतन मिलेगा। स्वीपर में आपको 10,500 रुपये मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज आपको मैसूर की मिल रही है, तो यहाँ 12,000 आपको वेतन मिल जाएगा। ड्रेसर की वैकेंसीज है, ड्रेसर के लिए 14,500 रुपये है। नेक्स्ट वैकेंसी पियोन की है, आप देख सकते हो आयुष्मान के अंतर्गत ये पियोन की वैकेंसीज है। 10,500 रुपये आपको इसमें वेतन मिलेगा। कुक की वैकेंसीज है 10,500 रुपये। वार्ड बॉय और वार्ड आया, यहाँ दो प्रकार की और वैकेंसीज आपको मिलेगी। तो इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं पास, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिर आपको बताया वार्ड आया और वार्ड बॉय। इसके बाद चौकीदार की वैकेंसीज है, चौकीदार के लिए भी इसमें आपको बताया 10,500 रुपये पर मंथ वेतन मिलेगा। इसके साथ नेक्स्ट वैकेंसीज है स्टोर कीपर कम कलर की, 15,000 रुपये मिलेंगे। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, 16,500 रुपये पर मंथ आपको वेतन मिलेंगे। फार्मासिस्ट है, 17,000 वैकेंसीज है। योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज है, 15,000 रुपये आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद पंचकर्मा टेक्नीशियन की है, स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है और असिस्टेंट मेट्रॉन की वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो ये काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल जाएगी। आप देख सकते हो मेडिकल ऑफिसर तक आपको ये वैकेंसीज मिल रही है। इसके बाद ये वैकेंसीज आप देख सकते हो, यहाँ आपको वेतन डिटेल समझाएगी है कि आपको वेतन क्या मिल रहा है, टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज कितनी है। 19 प्रकार की ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, www.ayushman.asm.government.in। तो अभी ये जॉब असम से निकल रहा है, से सभी राज्यों से जॉब निकलने वाला है। आप देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल आयुष मिशन असम से ये वैकेंसीज है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 2/9/2022 को ये नोटिफिकेशन प्रकाशित हो, यानी कि 2 सितंबर को नोटिफिकेशन निकला है। इसके बाद इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारी और जानकारी आपको इसमें बताई गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। तो यहाँ देख सकते हो कुक के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं पास, पियोन के लिए 8वीं पास है, ड्रेसर के लिए 10+2 पास है। इसके बाद आपको इसमें स्वीपर के लिए आपकी 8वीं पास है। इसमें फिर ANM की वैकेंसी के लिए ANM नर्सिंग कोर्स यदि आपने पास कर रखा है, और इसमें आपको बताया रजिस्ट्रेशन अंडर असम नर्स काउंसिलिंग, यानी कि असम सर के अंतर्गत ये रजिस्ट्रेशन है इसका। तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन जो क्लर्क है, इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री है। 18 सितंबर तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिना किसी एग्जाम के इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो इसमें ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें यदि आप असम राज्य से हैं। जल्द ही बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इसी के साथ UP में इस वैकेंसी को निकाला जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही नोटिफिकेशन प्रकाशित होगा तो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको ये जॉब अपडेट दे दी जाएगी।